बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जैसा कि आपके सामने ही है, ऑल्टरिंग आवर फोकस फ्रॉम व्हाट इज रॉन्ग टू व्हाट इज राइट, ये है हमारा टॉपिक। मैं ये फिर से एक दफा याद करा दूं जी कि ये बेसिकली हमारी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे वर्कशॉप्स होती हैं, ये उनका एक छोटा सा तारुफ है। छोटा सा तो नहीं, अच्छा खासा लंबा तारुफ है, लेकिन ये कि इसमें हम प्राइमरीली जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ टॉपिकल तारुफ है। आमतौर पर हम अपनी वर्कशॉप्स में इसकी प्रैक्टिस भी करवाने की कोशिश करते हैं जितने लोग खुद इंटरेस्टेड हों, और इस पर एक दूसरे से हम डिस्कशंस भी करते हैं कि क्या इसमें फायदा हो रहा है और किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। हमने इससे पहले तीन चार टॉपिक्स जो किए हैं उसमें एक तो पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट का फर्क वाजे किया। दूसरे लेवल पे हमने ये कोशिश की कि एक लर्निंग जर्नल जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स को, वो आपके साथ शेयर किया जाए। तीसरा टॉपिक हमारा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन था, कॉन्वर्सेशंस थी, और इसके बाद आखिरी जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम किया था दैट वाज अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। आज का जो ये टॉपिक है, ये भी उस इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। ये यानी आप यूँ समझ लीजिए कि हम अगर पॉजिटिविटी पे वर्कशॉप कर रहे हैं या अपने अपने सर्कल ऑफ कंसर्न से हटकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे ये टॉपिक्स हैं ये बेसिकली वो वाले टॉपिक्स हैं कि जो थ्रू आउट इन वर्कशॉप्स में भी रिकमेंड कि इनको यूज किया जाए। इट टेक्स सम टाइम, हमारा दिमाग जो है उसकी नई कंडीशनिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके पेश नजर इस इन सारी जो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं इनको भी इंट्रोड्यूस देम इन द बिगिनिंग, और कोशिश ये की जाती है कि लोगों को ये रिकमेंड किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि वो इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया है, इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट, और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देन इट विल नॉट अफेक्ट यू। एक बात तो ये कि महज इंफॉर्मेशन से आपके अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। इट इज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ दीज थिंग्स कि आपके हमारा जो ब्रेन है उसकी रिकंडीशनिंग होती है जी। मैं इसका आगाज करता हूँ जी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। हमारा ये जो मसला, ये बिल्कुल छोटी सी हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये जो इशू है वो पहले समझ लेना चाहिए कि है क्या। हमारा जो अपना इस वक्त जनरली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका, लेकिन आम तौर पर लोगों का जो फोकस होता है आम तौर पर वो अच्छी चीजों की तरफ नहीं होता। सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव जनरली बीन कंडीशन टू फोकस ऑन व्हाट इज रॉन्ग। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग इस तरह नहीं हुई कि पीपल हैव टोल्ड अस कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज रॉन्ग, बल्कि ये इस तरह होता है कि हमने ये लोगों को करते हुए देखा है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर इसकी मैं आम तौर पर ये मिसाल देता होता हूँ कि आप याद कीजिए अपने बचपन का वो टाइम कि जब आपका रिपोर्ट कार्ड आया स्कूल से, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में आपके बड़े अच्छे मार्क्स थे, कुछ में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सके। एंड जस्ट इमेजिन कि आपका फोकस किस पे था। यानी ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बड़ी कुछ ब्रीफली ये बात भी हुई हो कि वेरी वेल डन इन इंग्लिश, बट व्हाट हैपेंड इन मैथमेटिक्स। आपको अरिथमेटिक आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की, आपको नंबर्स क्यों नहीं इतने अच्छे आते, और सारे का सारा फोकस जो है वो उस पर हो गया कि जिसमें हम अच्छा स्कोर नहीं कर सके। ये जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, इसी तरह से अगर हमने कोई 10 चीजें अच्छी की हैं और एक चीज गलत हो गई है, तो लोगों का फोकस जो है वो उस चीज पर हो जाता है कि जो गलत हो गई है। तो हमारा भी इस तरह से ये फोकस डेवलप होना शुरू हो जाता है कि हम भी ये देखें कि दूसरा क्या गलत कर रहा है। तो सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव जनरली बीन कंडीशन टू फोकस ऑन व्हाट इज रॉन्ग। फिर से मैं वाजे कर दूं जी, इसका मतलब ये नहीं है कि एनीबडी हैज एक्सप्लिसिटली टॉट अस टू डू दिस। वी गेट टॉट आवर सेल्व्स, जब हम अपनी एनवायरमेंट को देखते हैं कि वो ऐसे कर रही है तो हम अब खुद भी ये सीखना शुरू कर देते हैं, रादर देन वॉट इज राइट।
As a result, we impulsively notice what is wrong, but generally miss noticing what is right. हमारा भी फोकस आमतौर पर उन चीजों की तरफ होना शुरू हो जाता है कि जो जिसमें कुछ कमी रह गई है. और एज अ रिजल्ट वी आर जनरली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरी जिंदगी में इस वक्त, क्या मसाइल हैं, मैं वो बयान करूंगा कि होपलेसनेस सिचुएशन जो है उसमें जिधर होपलेसनेस नजर आ रही है, डेस्परेशन नजर आ रही है, वो बयान करूंगा. अदर्स मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स. एंड ये जो फोकस है हमारा, इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशनल वेलबींग. सिर्फ इमोशनल वेलबींग नहीं, बल्कि हमारी जो हेल्थ और हमारी फिजिकल वेलबींग है उस पर भी होता है. आप में से शायद अक्सर लोग ये जानते होंगे कि इमोशंस का डायरेक्ट ताल्लुक स्ट्रेस से है. स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मिसाल के तौर पर इट इज जनरली क्लेम्ड, मैं ज़ाहिर है आई एम नॉट अ रिसर्चर, लेकिन जनरली लोग ये कहते हैं दैट देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट अगर आप रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे रखते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, ये चीजें भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, बैक एक्स, जो स्ट्रेस रिलेटेड समझी जाती हैं, कि जब हम जिस वक्त हमारा फोकस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो हमारे अंदर महज इमोशनल वेलबींग की कमी नहीं होती, बल्कि फिजिकल वेलबींग भी कम होती है हमारी, और उसके नतीजे में वी बिकम लेस अफेक्टिव इन आवर वर्क. जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है और जिसको बार बार स्ट्रेस करना चाहूंगा मैं, वो ये है कि ये जो फोकस हमारा डिवेलप हुआ है, ये असल में हमारा लर्न्ड बिहेवियर है, और इस लर्न्ड बिहेवियर को हम चेंज भी कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज. द आइडिया ओवर हियर इज कि आप ये कर सकते हैं, आपकी खा कुछ भी एज है, ये आपके हाथ में है कि आप ये कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो मुझे पहले नहीं मालूम थी जी. देर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हमारा जहन, हमारा दिमाग जो है वो जब एक चीज करता है तो उसके अंदर कुछ कनेक्शन डिवेलप होते हैं, और वो कनेक्शन जो है, अगर आप वो चीज छोड़कर कुछ उसके बरक्स कुछ करने लग पड़े तो वो शुरू में तो मुश्किल होगी आपको, इसलिए क्योंकि वो कनेक्शन जिधर बने हुए थे वो ज्यादा आसान था करना, वो आप रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उसको तोड़ने की कोशिश करें तो रफ्ता रफ्ता नए कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे और आपके लिए वो काम करना भी आसान हो जाएगा. चुनाचे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी कंडीशनिंग हुई भी है, ये हमारी कंडीशनिंग है. हम में से कोई भी इज नॉट बॉर्न विद अ नेगेटिव माइंडसेट और विद अ फॉल्ट फाइंडिंग माइंडसेट. हम में से अक्सर लोग जो हैं उन्होंने ये सीखा है. दूसरी चीज ये कि इस सीखने के नतीजे में हमारी जो इमोशनल वेलबींग है वो इस तरह से इम्पैक्ट होती है कि हम बजाय इसके कि कुछ सोचें कि प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, हमारा फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है. हम बजाय ये सोचें कि दूसरे में क्या क्या खूबियां हैं, हमारा फोकस बिलमूम इस पे होता है कि दूसरे में क्या क्या खामियां हैं. मैं बिलमूम बात कर रहा हूँ जी. कई दफ़ा रिलेशनशिप्स इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि उसमें ये चीज़ करनी मुश्किल होती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप इसकी कोशिश करेंगे तो आपका जो आपकी जो आउटलुक है जिंदगी में वो बेहतर हो जाएगी. मैं आगे चल के ये बताऊंगा जी कि व्हाट हैपेंस जब ये होता है, तो आपकी तरफ से अगर आपका फोकस नेगेटिव है, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन कीजिए दैट इफ यू हैव टू मीट योर आंट और योर अंकल, जिनके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो हर वक्त नक्त करते हैं, तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हाउ कंफर्टेबल वुड यू बी मीटिंग दैट पर्सन, हाउ कंफर्टेबल वुड यू बी मीटिंग अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज क्रिटिकल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग. ये सारी चीजें जो है, अगर एक आदमी जो है हर वक्त आप पर क्रिटिसाइज कर रहा है, यही प्रॉब्लम हमें कई दफा अपने बच्चों के साथ भी हो जाती है. अगर हम हर लम्हा उनके ऊपर, या बच्चे को ये पता है कि मैं जब भी अपने वालिद साहब के पास गया तो वालिद साहब ने तो किसी ना किसी चीज पर तनकीद करनी है, तो द चाइल्ड स्टार्ट्स अवॉइडिंग अस, एंड इट इज अ नेचुरल थिंग. दिस इज व्हाट वी डू एज वेल. वी डोंट लाइक मीटिंग पीपल जिसके बारे में, जिनके बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि वो बहुत क्रिटिकल हैं. We take most of what is good in our lives for granted. ये इसका नतीजा है जी, कि जो कुछ है
जो कुछ अच्छा है, और बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। अगर आप वो कुरान मजीद ने एक मौके पर कहा ना कि अगर तुम खुदा की नेमतें गिनने लगो तो शुमार नहीं कर सकोगे, यानी इतनी बेतहाशा हैं, अनगिनत हैं कि वो उनको तुम यू कैन नॉट इनकम्पस देम, यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एन्यूमरेट देम, यू कैन फाइंड देम सो मेनी ऑफ देम। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आवर आईज सी, आवर ईयर्स हियर, एंड व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, आपने आंख खोली और आपको साथ ही ये पता चला कि आंख खुल गई है, तो आपके लिए ये कोई अनयूजुअल बात नहीं हुई। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दिन आए कि जिस दिन आंख खोले और पता चले कि नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा आज, उस दिन बड़ी शिकायत पैदा होगी, उस दिन बड़ी तकलीफ होगी, उस दिन बड़ा दुख होगा, शायद हम डिसहार्टन हो जाएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन आज जबकि ये सब कुछ है, वी मिस नोटिसिंग दैट, वी टेक मोस्ट ऑफ व्हाट इज गुड इन आवर लाइफ फॉर ग्रांटेड, एंड देयर बाय मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेवरिंग एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट व्हाइल इट लास्ट्स। ये जो कुछ है, इसके बारे में ये ख्याल करना कि ये किसी दिन जा सकता है, किसी भी दिन जा सकता है। अभी हमारी अपनी जिंदगी में ये 2 साल पहले कितने ऐसे लोग थे कि जो जिंदगियों में जो ख्वाब रखते थे वो हमसे बड़े थे, कितने ऐसे लोग थे कि जो हु रियली वर होपफुल, हु वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द अराइवल ऑफ देयर चिल्ड्रन, टू द प्रमोशंस, एंड एक ऐसी वबा फैल गई कि जिसके नतीजे में इसने ये कोई फर्क नहीं किया कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन शुक्रगुजार है और कौन नहीं है, वो चला गया। ठीक है जी। एंड मैनी हाउस होल्ड्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ब्रेड विनर्स, उनके जो रोटी कमाने वाले थे वो भी चले गए। बहुत सारे बच्चे अपनी माओ से महरूम हो गए, अपने वालिदैन से महरूम हो गए। ये जो सारी सिचुएशन है, ये हमें ये याद कराती है कि जो कुछ हमारे पास इस वक्त है, जो हम जिसको वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, जिसके इसलिए वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा उसके ऊपर फोकस नहीं है। हमारा फोकस तो उन प्रॉब्लम्स पर है कि जो हमें ऑलवेज फेसिंग ऑलवेज। मिसाल के तौर पर आप किसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद लोगों से पूछिएगा तो आप ये देखेंगे कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, हमारी जो जो फेवरेट डिस्कशन हैं वो बिजली का बिल बढ़ जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई गैर मामूली बात है, लेकिन ये बैलेंस, यानी व्हाट इज इट दैट गिव्स यू होप, व्हाट इज इट दैट गिव्स यू सम ड्रीम्स टू ड्रीम अबाउट, ये जो सिचुएशन है ये हम इससे वी आर मिसिंग आउट ऑन दैट। बाय ट्रेनिंग आवर माइंड्स टू फोकस ऑन व्हाट इज गुड, we can sometimes even find gratitude in our sad moments. जब आपकी ये तरबियत हो जाती है कि आपने अच्छाई ढूंढनी है, अगर ये तरबियत हो जाए तो फिर इंसान इस जगह पे भी पहुंच जाता है। ये मैं आई एम नॉट बीइंग, इसके लिए अंग्रेजी जुबान में एक वर्ड है जी, पॉलियनाइश की बात नहीं कर रहा। पॉलियनाइश कहते हैं उस आदमी को कि जो जिसको अगर ये खबर मिलती है कि कोई फौत हो गया तो वो कहते हैं चलो इसमें कोई बेहतरी होगी। नहीं, ये दिस इज अ वेरी वेरी रैशनल इमोशन के जिस वक्त आप ये कहते हैं कि हमें अफसोस है इस चीज़ का या हमें दुख हो रहा है किसी चीज़ का, ये कोई बुरी बात नहीं है, बट लैंग्वेज लिविंग इन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। लिविंग इन दैट मीन्स के एक इमोशन जो पैदा हुई और जिसकी जिंदगी असल में 6 सेकंड थी, आपने पूरा दिन उस इमोशन में गुजार दिया, चाहे वो डेस्परेशन की इमोशन है, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो एंगर है, ये जो इमोशंस हैं ये असल में पैदा हो रही हैं हमारे इस गलत फोकस से जी, कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज द फॉल्ट, हु इज टू बी ब्लेम्ड, ये वाला एस्पेक्ट। और मैंने जो ये आखिरी पॉइंट आपके सामने मैं लाया हूँ वो ये है कि बाय ट्रेनिंग आवर माइंड्स टू फोकस ऑन व्हाट इज गुड, वी कैन समटाइम्स इवन फाइंड ग्रेटिट्यूड इन आवर सैड मोमेंट्स। इसमें 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक बात तो ये कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, यानी इट इज नथिंग unusual, it is nothing out of this world, कि अगर ये कहा जाए कि आपको अगर ये ख्याल होता है कि आपकी अब एज ऐसी हो गई है कि you know, you are let's say in your 50s like me or in your 60s which I will be very soon, so agar if that is what you feel then you're wrong, you can actually change it. ये आपकी ability, ये जो अल्लाह ताला ने आपको potential दिया है,
ये आपकी जिंदगी तक कायम रहेगा कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करें। आपकी जिंदगी से मेरी मुराद है कॉन्शियस लाइफ तक, आपकी कॉन्शियस लाइफ तक ये कायम रहता है कि अगर आप अपनी तरबियत करना शुरू कर दें और उसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें तो इट विल चेंज। ठीक है जी, इसमें अगर ये महसूस करें आप ये सब कुछ आपको ठीक लग रहा है और ठीक लगने के बाद भी यू डोंट, यानी यू हैव द रीजन, यू आर लॉजिकली कन्विंस्ड अबाउट समथिंग बट यू स्टिल डोंट वॉन्ट टू डू इट, अगर ये सिचुएशन है तो फिर इसको एक और पहलू से हैंडल किया जाएगा। दैट इज समथिंग विच वी कॉल ओवरकमिंग एंड अडैप्टिव चैलेंज। इसको मैं, अगर कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा और अगर मुझे याद रहा तो मैं खुद भी बता, I'll do it myself as well. And finally, by conscious effort, we can overcome our conditioning and change our focus from what is wrong to what is right. लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। हर चीज जो हमारी हैबिट है, चाहे वो हैबिट हमारी फिजिकल हैबिट हो, चाहे वो हमारी मेंटल हैबिट हो, उसमें चेंज करने में जो एफर्ट लगानी पड़ती है और कॉन्शियस एफर्ट लगानी पड़ती है, वो ये इस वजह से है कि जब भी दिमाग में जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग हो जाएं किसी एक अमल के मामले में, तो आप वो अमल एज अ रिफ्लेक्स एक्शन कर जाते हैं, रिएक्टिव होकर हमें गुस्सा चढ़ता है और हम जब गुस्से में आते हैं तो हो सकता है कि शायद हम चाहे बुड़बुड़ाने लग पड़े या वट एवर, आई मीन इट कैन बी एनी एक्शन दैट यू अंडरटेक इन अ सर्टेन इमोशनल स्टेट। वो जो है वो असल में आपकी हैबिट है, वो हैबिट को ओवरकम किया जा सकता है। ये एस्पेक्ट जो है इसको अगर हम समझ गए हैं तो फिर अब ये जान लीजिए कि उस हैबिट को ओवरकम करने के लिए यू इनिशियली स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है जी, अच्छा जी, लेट्स टेक दिस अप। हमारा ये टॉपिक ये है दैट वी विल एक्चुअली बी advising, we will actually be suggesting an everyday ritual to train our minds in altering our focus. हम अपने focus को बजाय इसके कि किसी what is wrong की तरफ रखने के what is right की तरफ लेके आना चाहते हैं, positive रहना चाहते हैं। हम मुश्किलात को तो रोक नहीं सकते, environment में से जो कुछ होना है वो हम उसको control नहीं कर सकते। हम अपने जहन की तरबियत ये करें कि हम हर हाल में चीजों के अंदर से positive ढूंढें, सिल्वर लाइनिंग ढूंढें। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप असल में पॉलियानाइश एटीट्यूड इख्तियार कर लें कि हर हाल में खुश रहना है। नहीं, दुखी भी होना है, गुस्सा भी चढ़ना है, सब कुछ होना है, लेकिन उसमें वी आर नॉट गोइंग टू लैंग्विश इन दैट। अच्छा जी, फॉर द नेक्स्ट 30 days, आई एम सजेस्टिंग दिस फॉर द नेक्स्ट 30 days, बट द आइडिया इज रियली दैट आपने करना ये है 30 दिन में देखें कि अगर आपको महसूस होता है कि आपका जो फोकस है वो कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया है तो फिर अपनी बेहतरी के लिए इसको जारी रखिए। ट्राई टू कीप डूइंग इट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, लेकिन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 days वॉट यू हैव टू डू इज मेक अ लिस्ट ऑफ 4 things एवरी डे, 4 new things। आपने नई चीजें ढूंढनी है हर रोज की that you are grateful for, और जो पिछले 24 घंटे में, यानी पिछले 24 घंटे से मुराद ये नहीं है कि लाजमन अभी हुई हो, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि let's say if you feel that आपको किसी दिन ये ख्याल आता है सुबह उठ के आपकी आंखें देख रही हैं आज भी और अल्लाह का कितना करम है कि आज का मौका मिल गया है, ये जो ability आपको अल्लाह ताला ने दे रखी है for a limited period of time, ये अभी खत्म नहीं हुई है, या आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज जारी है। सोचिए जरा, यानी मेरे जैसा इंसान जो है कि जिसकी पूरी की पूरी लिविंग अपने बोलने पर है और अपनी चीजों को पढ़कर तो समझ कर उनको ऑर्गेनाइज करने पर है, अगर किसी दिन ये सलाहियत खत्म हो जाए तो फिर मेरे लिए कितना जीना मुश्किल हो जाएगा। बट मैनी डेज आई मिस आउट ऑन दिस फैक्ट एंड आई मिस आउट ऑन थैंकिंग गॉड फॉर दिस एबिलिटी दैट ही हैज गिवन मी। तो आपने 4 चीजें, यू हैव टू फाइंड आउट 4 things every day that you are grateful for during the last 24 hours. Aur ek sawal ka jawab aur likhna hai, right? Why each of these things happened or you have them. For instance, when I say why, to iska matlab ye hai ki aapko ye kaise mili hui hai. For instance, if you are eating bread and it is filling your, you know, it is taking care of your hunger,
आपको भूख जो है उसमें रोटी मिल रही है, तो सोचिए जरा कि एक पूरी चेन है कि जिसके नतीजे में रोटी आप तक पहुंची है। वो चेन जो है वो हो सकता है एक स्टोर कीपर से शुरू हो और चलते चलते किसान तक पहुंचे, और किसान से आगे चल के वो अल्लाह ताला तक पहुंचे। ये सारी चेन है जिसका यू शुड बी थैंकफुल फॉर। वो ये जो एस्पेक्ट है, अगर आपको मुश्किल होती है तो किसी एक चीज को ले लीजिए, किसी भी एक चीज को ले लीजिए जो आपको इस वक्त मयसर है, मिल रही है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो जो चीज है उसके पीछे पूरी एक चेन है। इसी तरह आपकी एबिलिटीज हैं, आपकी जो भी एबिलिटीज हैं जिनसे कि आप जिनको इस्तेमाल करके आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि कोई गारंटी नहीं है कब तक रहेंगी, ठीक है जी। लेट्स ट्राई टू बी थैंकफुल फॉर व्हाई ईच ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड का मतलब ये है कि ये कैसे मिली हुई आपको। अब इनफैक्ट आई शुड रीफ्रेज दिस, ये क्यों हुआ है का मतलब असल में ये है, आपने इसको नोट कर ले, मैं इसको भी ठीक कर लूंगा इंशाल्लाह आइंदा। और आखिरी बात इस सिलसिले में ये है कि ड्यूरिंग द डे आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो आपने कल लिस्ट बनानी है उसका डेटा आज आपने ढूंढना है। ड्यूरिंग द डे ट्राई बींग माइंडफुल ऑफ नोटिसिंग द थिंग्स दैट यू कैन ऐड टू योर लिस्ट। इसकी एक खास वजह है जी, यानी आप जिंदगी गुजारते हुए अपनी जिंदगी में माइंडफुल हो जाएं कि मैंने अच्छी चीजें ढूंढनी है जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, ठीक है जी। ये जो हैबिट है, अगर आप 30 दिन तक ये चार तीन स्टेप्स जो हैं ये करें, तो इसके नतीजे में यू विल एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग अ हैबिट। एक ऑटोमेटेड तरीके पर आपका जो ऑटोनॉमस ब्रेन है वो इस तरफ को मायल होना शुरू हो जाता है कि मुझे इस चीज को ढूंढना है। इस वक्त वो इस तरफ माइल है, बल्कि इस तरफ फंसा हुआ है कि आपको सिर्फ वही दिख रहा है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इस वक्त बहुत मुश्किल है बिजली का बिल देने में, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ अच्छा भी है, यकीनन कुछ अच्छा है, और आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं। उनको एन्यूमरेट करना शुरू कर दें कि वो क्या चीजें हैं कि जिनमें मैं बहुत से लोगों से बेहतर हूँ, यानी मुझे अल्लाह ताला ने अभी इस मुश्किल में नहीं डाला है। अगर उसकी हिकमत होगी, उसका उसकी हिकमत का तकाजा होगा और आपके लिए वो बेहतर जानेगा, तो मालूम नहीं किस मुश्किल में डालना पड़े ताकि हम ज्यादा सब्र सीख सके। ये है जी जो एक्सरसाइज मैं रिकमेंड करता हूँ, और इसके बाद फिर वी ट्राई टू प्रैक्टिस, और लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट की जाती है कि दैट दे शुड शेयर विद ईच अदर कि उन्होंने क्या चीजें नोटिस की हैं। ये जो शेयरिंग है, इसके नतीजे में दूसरे जो लोग मौजूद होते हैं उनको भी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी जिंदगी पर उस पहलू से भी गौर करें। मैं आज का टॉपिक ये यहाँ पर, और ये एक ही सेशन में हमारा शुक्र है अल्लाह का कि कंप्लीट हो गया जी। वी विल नॉट हैव टू कैरी ऑन अगली दफा। मैं अब आपके सवालों के लिए हाजिर हूँ। इफ यू हैव एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर और आस्क, मैं हाजिर हूँ जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आप कह रहे थे ना कि हम जो है नेगेटिव चीज की तरफ या हम लोगों का फोकस होता है, जैसे बच्चे के रिजल्ट के बारे में कि हम जो अच्छे नंबर है उसकी तरफ तो नहीं हम देख रहे होते, जो गलत हुआ है उसकी तरफ देख रहे होते। तो सर असल में तो यूं भी हम लोग चाह रहे होते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट आए, तो आप क्या कहते हैं कि उस वक्त जो है जिक्र नहीं करना चाहिए, यानी जिस वक्त रिपोर्ट कार्ड आया है समझे, तो उस वक्त हम सिर्फ फोकस करें पॉजिटिव उसके रिजल्ट पे और बाद में उस पर फोकस करें, क्योंकि जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि इम्प्रूवमेंट हो, और बाकी चीजों में भी ये हाल है कि इंसान चाहता है कि इम्प्रूव, तो इसलिए वो फोकस बजाहिर वो इस तरह उस वक्त कर रहा होता है कि वो भी बिल्कुल पूरी हो जाए। लेकिन वो बात भी आपकी सही है कि हम लोग जो है वो नेगेटिव ही शुरू से कंडीशन्ड है। देखिए ये जो बात है इटसेल्फ कि हम अगर ये चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए, तो असल में इम्प्रूवमेंट का रास्ता क्या होगा? अगर बच्चा जो है जिसको कि इस वक्त अरिथमेटिक का शौक नहीं है फॉर इंस्टेंस, और वो आप ये चाहते हैं कि जब मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा कि वो अरिथमेटिक में वीक है, वो क्या कहेंगे आप उसे, जिसके नतीजे में उसकी कमी भी उसके ऊपर पता चले और उसको ये पता चले कि he has to overcome that problem। तो इसका जो तरीका है जनरली, एक चीज जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ विद ऑर्गेनाइजेशंस
वो है, उसको कहते हैं जी अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। ये दिस इज अ मेथड ऑफ इंटरवेंशन कि जिसमें कि आप पॉजिटिव से आगे बढ़ते हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि बच्चे ने एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए, तो जब आप ये कहते हैं कि हम उस पर फोकस करें, यस दैट इज व्हाट आई मीन, उस पर फोकस करें और ये सवाल करें कि ये जो नंबर लिए हैं इसके लिए तुम्हें किस तरह मेहनत करनी पड़ी, हाउ डिड यू फाइंड दिस यू नो मोटिवेशन टू डू इट, और ये कितनी मेहनत करनी पड़ी, और ये जो चीज है अगर तुम किसी और सब्जेक्ट में करो तो क्या उसमें भी रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं तुम्हारे ख्याल में। आप उधर से उस पॉजिटिव से अप्रोच करें। दो तरीके हो सकते हैं ना जी कि आपका जो जो बात करनी है वो असल में इस तरफ से हो कि तुमने यहाँ पर मेहनत नहीं की, और एक तरफ ये हो सकता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी मेहनत की है, और ये मेहनत अगर हम इसको फैलाएं दूसरे सब्जेक्ट्स पर तो डू यू थिंक दैट यू कैन यू नो डू बेटर। इसमें आमतौर में एक और चीज आपसे अर्ज करता हूं कि जब भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी इफ यू वांट टू पॉइंट आउट कि इम्प्रूवमेंट में ये जो कमी रह गई है इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि बिफोर यू पॉइंट दैट आउट आपने रियल लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि बना के, आपने हकीकत में कम अज कम एक गलती पॉइंट आउट करने के लिए कुछ तीन अच्छी चीजें ढूंढनी है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प द चाइल्ड और एनीबडी एल्स कि वो उसको भी पॉजिटिवली ले सकता है। हमें को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को, आप हम खुद देखें ना अपने अपने एक्सपीरियंसेस को जिंदगी में, तो आप ये देखेंगे कि हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इस राय पे आने में कि ये जो मेरा 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 अंकल है या मेरी आंट है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हर वक्त सिर्फ क्रिटिसाइज ही करता रहता है कि तुमने फोन नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यू नो, वो कभी भी ये नहीं कहता। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर वो आपके ऐसी अच्छाइयां जो वाकई हैं वो भी देख रहा हो, और फिर कोई बीच में एक बात ऐसी भी आ जाए कि ये अगर बेहतर हो सके, अगर तुम इतना कुछ कर सकते हो तो ये भी तुम बेहतर कर सकते हो, तो ये ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि हमसे गलती ये हो जाती है कि हम वी मिस आउट ऑन रिकग्नाइजिंग व्हाट इज गुड। आई एम नॉट सेइंग दिस कि हमें उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब एक बच्चा जो है उसको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए, और ये कॉन्फिडेंस मिल सकता है जी क्योंकि बच्चा किसी ना किसी चीज में तो लाजमन अच्छा है, और हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज हो कि जो स्कूल में टेस्ट ही नहीं की जाती, समथिंग टू डू विद, फॉर इंस्टेंस एक बच्चा बड़ा सच्चा है तो आप ये कह सकते हैं कि यू नो यू आर अ वेरी ट्रूथफुल पर्सन एंड आई रियली लाइक योर ट्रूथफुलनेस एंड आई फील दैट आई कैन रिलाई ऑन यू, मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, मैं आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ। और इस तरह से जिस वक्त हम अप्रोच करते हैं तो एक एक शख्स, एक चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं बाकी चीजें भी ठीक कर सकता हूँ। ये जो मोटिवेशन है और ये जो हौसला है, ये अगर सिर्फ तनकीद हो तो ये कई दफा खत्म हो जाता है। जी शबाना, मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ? जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बच्चों के रिस्पॉन्स से ही पता चल जाता है कि उन्होंने इसको कैसे लिया है, कि हमने उनको नेगेटिवली बयान किया, क्योंकि वो एकदम यूं कहने लगते हैं, वो यूं कहने लगते हैं कि बहुत से लोगों से मेरे ज्यादा नंबर हैं, ऐसे ही खामखा कह जाते हैं। और ये देखिए, ये भी हमने किस तरह से ये वैल्यू भी हमने पैदा कर दी कि बहुत से लोगों से ज्यादा का होना जो है वो बड़ी कोई सलाहियत होती है, और इसके नतीजे में वो जो यानी एक आदमी जो फर्स्ट आता है तीन बच्चों में से, वो दो ही में ज्यादा होते हैं, लेकिन He's celebrating that, unfortunately. जी, thank you very much. जी, मेरा बच्चा तो 10 की लाइन में भी वो बहुत खुश होता है, वो कहता है कि मैं 10 की लाइन में हूँ, शुरू की 10, वो बहुत अच्छा है। And कितनी अच्छी बात है ये, यानी ये जो चीज है उसको इस स्टेज पर let him develop this confidence that I don't have to beat others to be a good person. मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मेरा दूसरों के साथ मुकाबला हो, मेरा असल मुकाबला अपने साथ है। मुझे जो पिछले सेशन में नहीं आता था वो अगर आज आता है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माय क्वेश्चन इज कि जब आप कहते हैं कि हम नेगेटिविटी पे कंसंट्रेट करते हैं, मैं ये कहना चाह रही थी कि दिस इज आल्सो द वे योर बेसिक एजुकेशन इज गिवन इन पाकिस्तान। लाइक आई वाज एट अ कॉन्वेंट एंड माय मैथ्स टीचर वाज वेरी स्ट्रिक्ट. She did not realize that I wasn't good at a particular subject, algebra, right. वगैरह, and
she punished me ke, okay right. you've done so badly, go and stand outside. So the whole all my class friends saw that, so it did bring me a very bad feeling about myself starting sure. and then when I went home I didn't know how to tell my parents ke bhai aaj mere sath ye hua. Is your question that how should you overcome that now or yeah how should I have overcome it, because it's built up, and that is why when I see my children growing up and I feel ke bhai competitive world, you have to do your best, nobody is criticizing you, but you cannot languish back up, try your best so that you don't get such bad grades that you lose confidence in yourself. देखिए ये जो एक सवाल तो ये कि आप जब ये आप फरमाते हैं ना जी कि what can you do now? This is what I am suggesting, that what can we do now? And we can't change how our teachers, they interacted with us. We can't change that. We can't change how our parents did that. We can't change if somebody is very critical. But what we can do through this practice is that we can try it out and see if it helps. I have found it very helpful for my own self. For those who have tried it out, they have always given me a very good feedback about it. And but it requires consistent effort on your part. जहाँ तक आपके बच्चों का ताल्लुक है, ये जो हमारी assumption है कि अगर एक बच्चे ने अच्छे grades दे लिए तो वो अब लाजमन जिंदगी में कामयाब हो जाएगा. I don't know what कामयाबी is, seriously speaking. आप असल में वो most probably शायद अच्छी जगह पे उसको job मिल जाएगी. ये बात मुझे एक दफा किसी ने बताई थी, और इनफैक्ट बताई नहीं थी, ये मेरा ख्याल है कि if I'm not mistaken ये शायद मार्शल, वो जो गोल्डमैन है मार्शल, वो जिसकी वो किताब है कि what got you here will not get you there, कुछ इस तरह करके उसका नाम है, उसने शायद लिखी है एक जगह पे कि दुनिया में अक्सर सी ग्रेडर्स जो हैं उनके यहाँ उन्हीं की क्लास के ए ग्रेडर्स नौकरियां कर रहे होते हैं. ये इट वॉज सो ट्रू फॉर मी बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग जो जानते हैं कि मैं अपनी क्लास के मौजूद अपने एक क्लास फेलो जो कि सी ग्रेडर रहे और मुश्किल सी ग्रेडर रहे, उनके हाँ मैंने कोई मेरे ख्याल 8-10 बरस नौकरी की थी, एंड आई वाज अ कंसिस्टेंट ए ग्रेडर थ्रू आउट माय एजुकेशनल करियर. सो एक चीज तो ये बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि ये भी हमारी एक बड़ी गलत अजम्पशन है कि जब हम ये समझते हैं कि एक इंसान जब अच्छे ग्रेड लेगा तो उसको वो खुश रहेगा. ये दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू. इंसान की जो हैप्पीनेस है अगर वो सक्सेस पर मबनी कर दी जाए, तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा. आप आज तक सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, लेट्स से यू वर वेरी सक्सेसफुल एंड यू गॉट अ ग्रेट ग्रेड व्हेन यू डिड योर मैट्रिकुलेशन, आपने अपनी मैट्रिक के इम्तिहान में यू स्कोर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स, तो क्या आज तक उसी पे खुश हैं आप, या अगले ही 2 साल के बाद आपको FSC में फिर से वही मेहनत करनी पड़ी, वही टेंशन लेनी पड़ी, वही सब कुछ करना पड़ा, और वो भी इम्तिहान आपने बड़े अच्छा पास कर लिया, तो अब भी यानी हर दफा हमें जो चीज मिलती है उसके बारे में हम ये समझते हैं कि ये था असल में जिंदगी का टारगेट. नहीं, ये नहीं है. और बहुत सारे सी ग्रेडर्स जो हैं, बहुत सारे लोग अपने सर्कमस्टांसिस के क्या कहते हैं, इन द फेस ऑफ दोज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस बड़े खुश हैं और उनसे ज्यादा खुश है. मैं जिस वक्त पॉजिटिविटी की वर्कशॉप करता हूँ जी, कि डेवलपिंग पॉजिटिविटी इन आवरसेल्व्स, ये उनमें से एक एक्सरसाइज है टू डेवलप ग्रेटिट्यूड इन आवरसेल्व्स, और ये मैंने उसको आपके साथ शेयर किया है. इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस और भी कराई जाती हैं, उसमें मैं ये बताता हूँ कि इंसान की पॉजिटिविटी या उसकी जो खुशी है वो असल में उसकी अचीवमेंट पे उसके साथ रिलेटेड ही नहीं है. जो रिसर्च है वो सारी की सारी ये बताती है कि जो लोग खुश हैं वो मिलियन डॉलर्स की लॉटरी पे भी खुश रहते हैं, और वो अगर खुदा ना खास्ता को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए उस पर भी खुश रहते हैं. यानी खुश रहने का मतलब ये नहीं कि उनको दुख नहीं होता, वो अपने किसी अर्ज के कटने पर प्रॉब्लम में नहीं पड़ते या दुख नहीं करते या या पेन फील नहीं करते, ये मतलब नहीं है. बट दे डोंट लिव इन दैट पेन, ये है जो प्रॉब्लम है. जो असल मसला है वो ये, इसको समझना चाहिए, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ जी, मैं अपने बच्चों के हवाले से आइंदा जब उनसे बात करूं, इवन अगर मुझे कोई चीज कहनी भी है उन्हें जिसमें कि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है कि
टेक इट नेगेटिवली, तो बाद में इसको अपना मेक इट अ पॉइंट दैट यू विल फाइंड एटलीस्ट थ्री थिंग्स व्हिच आर व्हिच यू लाइक अबाउट देम. और उसमें भी आगे चल के व्हेन वी डिस्कस इट इन मोर डिटेल, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के साथ अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करनी है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए. नेवर से दिस टू एनीवन दैट यू हैव डन ग्रेट. हु आर यू टू जज? आई एम नोबडी टू जज दैट इफ यू हैव डन ग्रेट और नॉट, बट आई कैन टेल यू हाउ आई फील अबाउट इट. वॉट इज इट दैट आई फील अबाउट योर अचीवमेंट और योर हार्डवर्क? ये एक बिल्कुल और चीज है, और ये मैं ही बता सकता हूँ. वॉट आई फील, मुझे अगर कोई ये कहे कि तुम बड़े अच्छे टीचर हो, तो मेरे जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर आप ये जज कर सकते हैं कि आप मैं अच्छा टीचर हूं या नहीं हूं, तो फिर असल में आपको टीचर होना चाहिए था, ठीक है ना जी. लेकिन अगर आप तो ये बताएं कि आपने मेरे से सीखा क्या है, तो ये आप ही बता सकते हैं. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करें. जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हम दूसरों ने हमसे क्या किया, हमें किस तरह कंडीशन कर दिया, वी कैन नॉट स्टॉप दैट, बट वी कैन रीट्रेन आवर ब्रेन टू थिंक पॉजिटिवली. बट वही सब फिर अपने बच्चों को बिल्कुल अप्रिशिएट करें, एंड इफ यू फाइंड योर चाइल्ड हैज डन वेल, तो यू शुडंट यू बी सेइंग कि माशाल्लाह यू हैव डन वेरी वेल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड जस्ट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड इंशाल्लाह यू विल डू वेल कंटीन्यूअसली. नहीं, मैं इसको समझता हूं जी कि ये डोंट से दैट, इससे बेहतर तरीके हैं अपनी अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने के, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह आइंदा. ओके जी, थैंक यू. आपकी तबीयत बेहतर है? जी माशाल्लाह. अच्छा सर, मैं जो है बेसिकली क्वेश्चन तो नहीं है, वो आपसे डिस्कशन ही है, उसमें मैं आपकी राय चाहता हूँ. यकीनन बहुत अहम होती है मेरे लिए. मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, तो यकीनन हमें मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों को एनालिसिस करना होता है. और उसमें जब हम फिर डिमेरिट्स को देख रहे होते हैं, और उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है खामियों को देखने का, वो अगर यही होता है, मेरा तो ख्याल है कि कंपैरेटिव एनालिसिस में यही ऑब्जेक्टिव होना भी चाहिए कि उन खामियों को स्टडी इसलिए किया जा रहा है कि उनको खूबियों में कैसे बदला जा सके, या उन बेहतरी कैसे लाई जा सके, या हम उनको किन अच्छाइयों के साथ रिप्लेस कर सकें. तो ऐसी सिचुएशंस में जब हम ये डिस्कशन किसी फर्द के बारे में कर रहे हूँ, या किसी सिचुएशन के बारे में, या किसी कम्युनिटी के बारे में, या इवन अपने किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हूँ, तो देन हमें डिमेरिट्स को किस तरह से अंडर डिस्कशन लाना चाहिए, ताकि हम उनको डिमेरिट्स को एक बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, उसमें से बेहतरी निकाल सकें, उनको अच्छी चीज़ों के साथ रिप्लेस कर सकें, या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस की और बेहतर डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसमें जरा कहेंगे अपनी राय दीजिए. देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर तो आप जब भी इस तरह का एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी शख्स के बारे में, तो असल में किसी मकसद से कर रहे होते हैं ना. यानी फॉर इंस्टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, आपने HR में एक बंदा रखना है, या आपका HR डिपार्टमेंट है जो ये कह रहा है कि यार हम इस बंदे को क्या प्रिंसिपल लगाएं या ना लगाएं, या इसको लीडरशिप की पोजीशन दी जाए या ना दी जाए, तो इस शख्स को दी जाए या ना दी जाए, ये जो एस्पेक्ट है, अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं तो आप ये कह सकते हैं. इसको इस तरह से देखिए कि हमें जो एक क्वालिटी चाहिए वो ये है कि एक आदमी जो है वो अपनी टीम का कितना ख्याल रखने वाला है, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि आप ये कहें कि मौइज अमजद जो है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा चल सके. आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो तीन लोग हैं इनमें एक्स के अंदर ये क्वालिटी ज्यादा है, ठीक है जी. यानी यू डोंट रियली हैव टू डू दैट, बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. अगर आप इस मकसद से कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, इसको जरूर करना भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको असल में लोगों की खामियां पता नहीं होनी चाहिए. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है that you should be unaware of what the other person's qualities or disqualities are. मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप लोगों के बारे में कोई राय बनाएं तो उनकी qualities के बारे में ज्यादा अपने focus को लेके जाएं. बस ये कह रहा हूँ. We should not be blinded to. For instance, एक आदमी है जो कि बेचारा नहीं ख्याल रख पाता. He it's difficult to for him to organize himself.
तो मैं उसको वो काम नहीं दूंगा जिसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करूंगा बाय फोकसिंग ऑन हिज स्ट्रेंथ्स। जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जाहिर है कि वो स्ट्रेंथ्स कैसे बनती है एक इंसान की, इंसान की स्ट्रेंथ जो चीजें है ना जी, उसमें बड़ा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ क्या कहते हैं उसे, डिसिप्लिन तरीके से उसने मेहनत की हुई है। तो वो यही मेहनत किसी और चीज में भी अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो कर लेगा। ये बात एक चीज ध्यान में रखिए, अगर एक आदमी जो है वो ये जानता है कि इस तरह से मेहनत को मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो वो यही मेहनत कहीं भी और कर सकता है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल बाज स्कूलों के मॉडल्स में मिलती है कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की स्पोर्ट्स की एबिलिटीज को ट्रांसफर किया है इन देयर एकेडमिक एबिलिटीज एज वेल, बिकॉज वो उसमें शौक रखते थे, मेहनत की, उन्होंने एक जगह पे पहुंचे एंड दे ट्रांसफर दैट सेम एफर्ट टुवर्ड्स द एकेडमिक लाइफ, देयर एकेडमिक लाइफ एज वेल। ये चीज हो सकती है जी, ये की है लोगों ने। राइट सर। जी नवीन सर, मैं जवाब दे सकता हूँ जी आप? जी जी बिल्कुल सर। और अगर आपकी इजाजत हो तो एक और बात ऐड कर लूं, अगर आप इजाजत दें तो सर। जी जी फरमाइए फरमाइए जी सर। सर ऐसे अभी मुझसे पहले जो डिस्कशन थी हो रही, जो पहले क्वेश्चंस में बच्चों की स्टडीज के हवाले से बात आई थिंक सो हो रही थी कि उनकी रिजल्ट्स पर हम कैसे उनको, उनके रिजल्ट्स को अंडर डिस्कशन कैसे ला सकते हैं। तो मैं इस पे एक बात करना ये चाहता हूँ कि समटाइम हम लोग रिजल्ट्स में सिर्फ एक डायमेंशन को अंडर डिस्कशन लेके आ रहे होते हैं, जबकि उस डायमेंशन के अलावा रिमेनिंग डायमेंशंस के अंदर माइट पॉसिबल कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो है वो बहुत बेहतर जो है ना हो, और हम उनको इग्नोर करके और उसके लिए फिर हम उस डायमेंशन के अंदर जो होती हैं वो चीज़ों को उनको देख रहे होते हैं जिनमें वो बेहतर हो नहीं सकता है, या वो उनकी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनके इंट्रिंसिक बिहेवियर ही नहीं है कि वो उसको उस तरह से कर सके जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और सेकेंडली ये है कि जो कंपटीशन की हमारे मतलब के जो फिजा है या जो कंपटीशन है, इसके अलावा आई थिंक सो कि स्किलफुल पर्सन का होना ज्यादा फ्रूटफुल है एज कंपेयर टू के वो ग्रेड्स में ए प्लस पे है या वो बोर्ड में पोजीशन वन पे है बट ही कांट परफॉर्म इन हिज ओन फील्ड जिसमें उसने टॉप किया है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों को एक डायमेंशन में नई डिस्कशन में लेके आना चाहिए, हमें उनको थ्री डायमेंशनल स्टडी करना चाहिए और देन फिर हम उसको मतलब देख सकते हैं, उस पे बच्चों से डिस्कशन कर सकते हैं। काइंडली जरा इस हवाले से आप अपना इनपुट दीजिएगा सर। मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ जी, यानी मैं अगर टीचर से जब भी कभी मुलाकात होती थी और वो ये जब भी कहते थे कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन के साथ क्या मामला किया जाए, तो मैं ये कहता था कि वो प्रॉब्लम्स का ढेर है या उसमें कोई अच्छाई भी है, या आप जानते नहीं है कि क्या अच्छाई है। ठीक है जी, समटाइम्स हमारा जो फोकस है, हम टीचर्स स्पेशली, बिकॉज हमें परखा जाता है इस बात से, हमारी असेसमेंट इस चीज पर होती है कि हमने अपने हमारे बच्चों का ग्रेड कैसा आया, हमारी क्लास का ग्रेड कैसा है। चुनाचे हम भी इसी पे फोकस्ड होते हैं कि ये बच्चा कितना ग्रेड ले सकता है और किस तरह से हमारी असेसमेंट इससे बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो हकीकत है वो ये कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंसेज हैं जो कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में परखी नहीं जाती। ये बात के मैं एक बारहा ये बात कर चुका हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दो किस्म की क्वालिटीज को परखता है जी, एक है लॉजिकल और एक है लिंग्विस्टिक। अगर आप लॉजिक और लिंग्विस्टिक में कम हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इंटेलिजेंसेस और भी हैं, मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस है, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। ये जो लोग हैं जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि एक सी ग्रेडर के हाँ ए ग्रेडर्स नौकरी करते हैं बिलमूम, ये इस वजह से होता है कि उनकी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है आपके मेरे जैसे इंसान के मुकाबले में। सो दिस इज व्हेन आई रियलाइज दैट, तो मैंने ये कोशिश की कि मुझे भी इस तरह की चीजें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि जब जो लॉजिकल और जिसको आप कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, वो जरूरी नहीं कि आपके अंदर दूसरी चीजें पैदा करते। अच्छा, एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है,
वो जिसकी इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल या स्पेशल या म्यूजिकल इंटेलिजेंस या फिजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है, वो अगर आप उसमें उसको सपोर्टिव हो जाए, वही अप्रिशिएटिव इंक्वायरी वाला मेथड, कि उसमें आप उसको इनकरेज करें क्योंकि वो उसकी इंटेलिजेंस नेचुरली उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो दूसरी इंटेलिजेंस भी उसमें बेहतर होनी शुरू हो जाती है। ये भी रिसर्च बताती है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है जी। यानी हम अनफॉर्चुनेटली आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये लोगों से कहा करता था कि कभी अंदर अपने स्टाफ रूम में बैठ के बजाय बच्चों को डिस्कस करने के, उस खिड़की में से देखें कि उनका रवैया बाहर कैसा है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट। आपका फोकस ये हो जाए कि मैंने देखना है कि इस बच्चे में क्वालिटी क्या है। समटाइम्स वी गेट सो नेगेटिव, कभी भी आपको अगर लगे ना कि इस शख्स में तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, नापैद है, तो असल में ये समझ लें, ये जो बात आप कर रहे हैं इसमें आपकी नजर का कसूर है। ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लें, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी में कोई क्वालिटी ना हो। अगर वो आपके साथ कोई खास रवैया रखता है जिसकी वजह से आपको क्वालिटी नजर नहीं आ पा रही, तो आप उसके रवैये उसको दोस्तों से पूछें कि इसमें क्वालिटी असल में क्या है, तो यू विल फाइंड आउट कि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपके साथ इंटरेक्शन में नमूदार ही नहीं हो रही। ठीक है जी। तो इंटरेक्शन तो दो इंसानों के दरमियान होता है ना। मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मे बी समथिंग आई कैन इम्प्रूव, ताकि वो जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा इंसान बन जाता है, वो मेरे साथ भी बनना शुरू हो जाए। मे बी आई कैन नॉट से दैट, मैं ये कोई जनरल बात नहीं कर रहा हूँ जी, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ कि हमको इस तरह से देखने की कोशिश करनी चाहिए इंशाल्लाह। जी नवीद साहब, ये आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी। यस सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से सर इस चीज को अंडर डिस्कशन लाया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। जज़ाकल्लाह, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए, खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं छोटी सी अपनी शेयरिंग करूंगी, इसके बाद सवाल कर लूंगी, क्या इजाजत है मुझे? जी जी प्लीज। शेयरिंग ये थी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ फोन पे बात कर रही थी, उसको कुछ समझा रही थी, और इसी दौरान में हम दोनों जज्बाती हो रही थी, और मैंने फिर उसे कहा, माजरत करके कॉल काट दी कि मैं कुछ देर तक फोन करती हूँ। उसे बताया नहीं कि मैं मतलब जज्बाती हो रही हूँ। और फिर मुझे कुछ लम्हों बाद ये एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होती बिल्कुल, और मैं इतनी खुश थी कि मैंने खुद पे जो वर्क किया वो मुझे उसका नतीजा मिला। और मैं कुछ मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी, और फिर मैंने उसे कॉल करके उसकी बात को भी समझा, फिर अपनी समझाई, ये मुझे मिली, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और सवाल सर मेरा ये है कि मैं ये जानना चाह रही थी कि हम अपनों को गुस्सा दिखाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर लगा लें मेरा शौहर है, हमारा रिलेशन ना दोस्ती वाला है, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं, शौहर हस्बैंड की तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मली लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक मैं उनको गुस्सा नहीं दिखाऊंगी ना, वो मेरी बात को समझ नहीं सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब भी नॉर्मली थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होगा जिसमें गुस्से की बात होगी तो मैं कर लेती हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता इस पे। वो मुझे अभी मैं जब क्लास लेने लगी तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ उधर, करेक्टर बिल्डिंग की क्लास होगी मेरी और इतना टाइम मुझे लग जाएगा, तो कहते हैं उनसे पूछना बेचारे शौहर के साथ कैसे रवैया अच्छा करना। बिल्कुल ठीक है, इस पे मुझे बताएं क्योंकि हमारा दोस्ती वाला रवैया तो आप पता नहीं हो जाता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। सवाल मेरा ये, मेरा ख्याल है जी कि इस मामले में आप दूसरी चीज ट्राई करके देखिए, यानी बजाय इसके कि आप अपने एंगर के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश करें मामले को, एक तो ये कि कंट्रोल करने की हम कोशिश ही नहीं करते, लेट्स ट्राई टू बी मोर, जिस तरह आपने फरमाया दोस्त हैं उनको भी इसका मौका दे दीजिए कि वो अगर इनकार करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो कर दें इनकार, क्योंकि हम दोस्त हैं। ठीक है ना जी। एंड आई एम श्योर दैट नोबडी लाइक्स टू डू एनीथिंग अंडर द फियर, कि मुझे इस चीज का अगर फियर होगा कि अगर मैंने ये ना किया तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा या गुस्सा करेगा, तो ये असल में मैं अंडर प्रेशर कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि चीजें जो हैं वो जिंदगी में हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ और लोगों को कायल करके करवाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अंडर प्रेशर।
और इस चीज की कोशिश कर लीजिए कि बजाय इसके कि हम अपने गुस्से का इजहार करें यानी गुस्सा शो करें, हम ये बता सकते हैं कि ये जो चीज है इससे मुझे थोड़ी सी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या यू नो हर्ट फील हो रही है। ये जब आप ये वाली चीज एक्सप्रेस करेंगे ना जी, जिस तरह आपने अपनी बहन के साथ अपने अपनी फीलिंग को रिकग्नाइज करके तो एक वक्फा दे दिया और उसमें अपनी फीलिंग को आपने बैलेंस आउट कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही इसी के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करने की लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दें। यानी फीलिंग को शेयर तब कर सकते हैं आप जिस वक्त के आपको ये पता हो कि ये फीलिंग असल में है क्या मेरी। हम आम तौर पे मिसाल के तौर पर फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को, यू नो इरिटेशन को हम एक ही जुबान दे देते हैं, गुस्से में हूं मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये सारी इसकी वोकैबुलरी सीखना, इमोशंस में बड़े सटल डिफरेंसेस हैं, एक इमोशन और दूसरी इमोशन में बड़े सटल से डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या है, आदमी को कब गुस्सा चढ़ता है और कब वो असल में गुस्से का लफ्ज तो यूज कर रहा होता है लेकिन वो गुस्सा नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो इरिटेशन होती है, वो मिसाल के तौर पर अंडर स्ट्रेस एक आदमी जो है वो कोई मामला कर रहा है और उसको ये इस चीज का एहसास नहीं हुआ। ये आमतौर पर ये होता है अगर आप इफ यू आर आप स्लीपलेस है किसी वजह से, आपने अच्छी तरह से वेल रेस्टेड नहीं है तो आपकी जो इमोशंस हैं वो आप पे कंट्रोल में ज्यादा नहीं रहेंगी। सो ट्राई टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ योर इमोशंस। ये बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दी है कि व्हेन यू बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी इमोशन जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ यू नो नॉर्मल लिमिट्स जा रही है तो आपने इसको रोक दिया। इसके साथ ये भी ऐड किया सकता है। और दूसरी चीज ये कि आपने जिस तरह ट्राई किया कि गुस्सा अगर शो किया जाए तो काम हो जाता है, तो इसी तरह से इसको कोशिश करते हैं कि दूसरी चीज ट्राई करके देखें, हो सकता है ज्यादा अच्छी तरह काम हो जाए, हो सकता है ज्यादा अप्रिशिएटिव काम हो जाए। ठीक है जी, गिव इट अ ट्राई और फिर देखिए। बिल्कुल सर, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे जहन में यही होता है कि अगर मैं इसको अपने जज्बात शो नहीं करूंगा तो करूंगी तो ये मुझे समझेंगे नहीं, बस ऐसे मेरे जहन में ये चलता नहीं, जज्बात जज्बात शेयर कर दें। देखें मैं ये नहीं कह रहा कि जज्बात शो ना करें, जज्बात शेयर कर दें कि देखें इस चीज से मुझे थोड़ी सी इरिटेशन फील हो रही है या गुस्सा फील हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन या हर्ट फील हो रही है और इसके नतीजे में देखिए क्या होता है। मेरे साथ अभी पिछले दिनों ये किसी ने शेयर किया कि ये मैंने ये बात पिछली दफा भी की थी तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, किसी ने somebody shared it with me कि ये मैंने ये try किया है और बड़ा successfully ये मामला हुआ जी। one of my somebody that I know। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। You're most welcome जी, you're most welcome। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी मैं आसिफ बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब इस क्लास में मैं अटेंड कर रहा हूँ। पहले इससे पहले जितने भी आपने जो बेसिकली शेयर की हैं अपना जो नॉलेज है तो वो तो मैंने यूट्यूब पे तो सुना है, डेफिनेटली बैकग्राउंड तो सारा है मेरे पास तो, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये जूम पे, आई एम बेस्ड इन एक्चुअली US, तो US में इस वक्त सुबह के वक्त मतलब ये मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा जब भी मुझे ये मौका मिलेगा। सवाल मेरा एक्चुअली इससे रिलेटेड ये है कि मैं चूंकि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता हूँ और मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता रहा हूँ, मैंने मिडल ईस्ट में भी काम किया, मैंने मलेशिया में भी काम किया और अभी US में भी और पाकिस्तान में भी काम किया। तो कॉरपोरेट सेक्टर में एक चीज जो बड़ी मैंने नोटिस की स्पेशली कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से जो लोग आते हैं वो बेसिकली जब बाहर आते हैं और इवन अपने मुल्क में भी उनके जो एजुकेशन सिस्टम है जब हम उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से तो हमें कोई बहुत ज़्यादा बिहेवियर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। मतलब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो बेसिकली पड़ोसी मुल्क से, तो वो वो जब मेरे से शेयर करते हैं कि वहाँ पे बच्चा जो है इवन प्लान करना पड़ता है कि वो 3 साल की उम्र में जो है वो पैदा होगा और वो जाएगा स्कूल में और फिर इतने प्रेशर्स वहाँ पे होते हैं बच्चों के ऊपर, तो जितने प्रेशर्स मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में, मैं तो खैर पिछले पंद्रह साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ लेकिन जब हम थे तो स्टूडेंट थे तो मतलब जितने प्रेशर्स हम फेस करते थे
मोर और लेस सिमिलर प्रेशर्स वो मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं जो बच्चों पर उन पर होते हैं. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वो ग्लोबल जो स्टेज है उसमें फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या जैसे और बहुत सारे फाइनेंस है या जैसे उनकी जो साइंस है या टेक्नोलॉजी कह लें इन सिंपल वर्ड, तो उसमें ना सिर्फ ये कि वो जब बाहर आते हैं उनका जो नंबर है यानी सक्सेस या यू कह लीजिए कि ऊपर आने का और या बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स को लीड करने का वो बहुत ज्यादा नजर आता है एज कंपेयर टू पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल. तो जब मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार कल्चर में कोई इतना फर्क नहीं है, प्रेशर्स भी उसी तरह के नजर आ रहे होते हैं, तो क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है कि वो जब यहाँ आते हैं या किसी भी जगह इवन इंडिया में तो वो तो बड़े कामयाब हमें नजर आ रहे होते हैं, यानी कामयाब इस सेंस में कि कॉर्पोरेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, कामयाब उस सेंस में नहीं जो बेसिकली एक दूसरा यानी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो ठीक है वो कुछ तो आपको नजर आएंगे लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लीड करना वो हमें उसमें वो बहुत कमी नजर आती है. तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है कि हम बीइंग पाकिस्तानी ठीक है टैलेंटेड तो हैं लेकिन वो टैलेंट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या जब हम इवन अपने पाकिस्तान में भी तो वो हमें नजर नहीं आती चीज जो हमें इन लोगों में नजर आती है. तो क्या फर्क क्या है, यानी क्या ये फर्क है कि मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड कि जी कि क्या वो बहुत पॉजिटिव हैं या वो जैसे आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनके हाँ उनके कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली डिफरेंट हैं. तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करें या अगर आपका जो भी है वो शेयर करें. जी ये देखिए आसिफ भाई, आपने ना एक चीज तो ये देखनी है कि ये जो आपको डिफरेंस नजर आता है पीपल एक्सेल देयर लेट्स से, आपके ख्याल में ये जो एक्सेल करते हैं इंडियंस या पड़ोसी मुल्क से, अगर आपकी कोई और मुराद है तो वो करेक्ट कर दीजिएगा. मैं तो यही समझ पाया हूँ कि इंडियन, बिकॉज आपने ये फरमाया कि हमारा कल्चर भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यू आर रिफरिंग टू इंडियन. सो इफ दैट इज द केस आई वुड लाइक टू नो कि क्या आपके ख्याल में इज देयर अ डिफरेंस कि वो जो है वो मेरिट पर आगे जाना भी चाहिए उनको, कि मिसाल के तौर पर आपके ख्याल में दुनिया इस वक्त उनको फेवर कर रही है. एक तो सूरत ये हो सकती है ना जी, मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग जो है वो किसी को खाब का फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो असल बॉटम लाइन है वो उससे सफर करनी शुरू कर देगी कि अगर मैं लेट्स से अच्छे लोग जो हैं पाकिस्तान से हैं लेकिन वो इंडियंस को हायर करना शुरू कर दें तो दिस विल एक्चुअली बी यू नो सॉर्ट ऑफ अ बैड डिसीजन, बैड बिजनेस डिसीजन. तो पीपल जनरली गेट प्रमोटेड, पीपल जनरली गेट उनकी जो एनहेंसमेंट होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो आमतौर पर मेरिट बेस्ड ही होती है. हो सकता है कि जो मेरी नज़र में क्राइटेरियन है वो ना हो, कोई और हो, लेकिन होती बहरहाल मेरिट बेस्ड ही है. इससे आप इत्तेफाक करते हैं वैसे? जी बिल्कुल, बिकॉज देखिए ना, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लोग सक्सेसफुल नहीं होते या एक्सेल नहीं करते, करते हैं, लेकिन मैं इवन रेशो भी अगर निकालूं और उसको पॉपुलेशन पर भी डिवाइड करूं तो इंडिया के लोगों की रेशो भी ज्यादा नजर आती है. और फिर जो वो बेसिकली मेरिट पे जो ऊपर नजर आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सुंदर पिचाई है, अब वो गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव है जबकि वो पढ़ा तो इंडिया से है और इंडिया के कल्चर से आया है और वो इवन लोअर मिडिल क्लास कल्चर से आया है. और इसी तरह जैसे ट्विटर का भी है, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप देखें, यानी एक फ्लड है. और ये सिर्फ यूएस में नहीं है, जहाँ पे अभी मैं पिछले चार साल मैं मलेशिया में 8 साल रहा हूँ, मैं दुबई में काम करता रहा हूँ 3 साल, मैं नाइजीरिया में रहा हूँ, मतलब मुझे हर जगह वहां पे वहां के लोग मतलब मेरिट पे ऊपर जाते हुए नजर आते हैं. और पाकिस्तान के लोग ठीक है, मैं भी पाकिस्तान का ही हूँ और मैं भी मेरिट पे ही मतलब समझ तो यही रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने हिम्मत दी तो मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए. लेकिन
इसके मुकाबले में मतलब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है ये मैं मतलब मेरा ख्याल है जी कि देखिए आपने जो मिसालें दी हैं मुझे ख्याल मुझे भी यही होता है कि बहुत अहम है ये बात। इंडिया ने जो ट्रिपल आईटी के नाम से जो उनका इंस्टीट्यूशन है और खास तौर पर ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी के अंदर जो उनका शोबे में एक बहुत बड़ा अब रोल बनता जा रहा है उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने मेहनत की और एक इंस्टीट्यूशन बनाया जी। हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक बार ये जिक्र किया था कि किसी ने कहा ना कि प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, तो मैंने उससे पूछा ये, और ये मेरी पॉलिटिकल गलती थी कि मैंने ये पूछ लिया कि व्हाट इज देयर टू बी प्राउड ऑफ, तो उसने कहा कि हमने ऐसी चीजें प्रोड्यूस की हैं। मैंने कहा वो क्या कुछ बताएं, मुझे भी बताएं क्या प्रोड्यूस किया है। हमने अब्दुल सलाम प्रोड्यूस किया, अब्दुल सलाम को हमने नहीं प्रोड्यूस किया जी। अब्दुल सलाम एक मेहनती आदमी था कि जिसने अपने आप को प्रोड्यूस किया थ्रू द अपॉर्चुनिटीज दैट ही हैड इन फ्रंट ऑफ हिम। हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक्सीलेंस क्रिएट नहीं की, ये है जो मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह है। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक्सीलेंस जो है वो कोई एक फोकस पे नहीं होती कि मिसाल के तौर पर हम उनको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे, वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसके नतीजे में। यानी जो लर्निंग है, लर्निंग के का डायरेक्ट लिंक है जी, देखिए मैं इसको वाजे कर दूं, ग्रेडिंग का डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ग्रेड लेने का एक जिसको आप कहते हैं ना जी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है विद कैरेक्टर, लेकिन लर्निंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद कैरेक्टर। द मोर यू प्रमोट लर्निंग द बेटर कैरेक्टर विल बी, इसकी एक वजह है। ग्रेड इंसान को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है और लर्निंग प्रोसेस ओरिएंटेड है और कैरेक्टर भी प्रोसेस ओरिएंटेड है। दोनों चीजें जो है मिसाल के तौर पर आप ग्रेड लेने में आपने भी किया होगा आसिफ साहब, मैंने भी किया हुआ है और यहाँ पे मौजूद शायद हर आदमी ने किया हुआ है कि आपका कोई इम्तिहान था मास्टर्स के लेवल में सेमेस्टर सिस्टम में या इवन एनुअल सिस्टम में जिसकी आपने तैयारी आखिरी हफ्ते में की होगी। ये रिजल्ट ओरिएंटेड कामों में होता है लेकिन लर्निंग कभी नहीं हो सकती एक हफ्ते में। यानी अगर एक चीज को आपने लर्न करना है तो यू विल हैव टू कवर एवरी स्टेप ऑफ द वे, फिर जाके लर्निंग होती है। लेकिन ग्रेड फिर भी मिल सकता है कि अगर आप कुछ भी ना जानते हो उस सब्जेक्ट का, सिर्फ आपको 5-10 सवाल अगर याद हैं जो कि आने हैं या जो ज्यादा चांसेस हैं कि आने हैं, तो यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड ग्रेड एंड पीपल विल थिंक दैट यू आर वेरी यू नो हार्ड वर्किंग एंड व्हाट नॉट। मेरा ख्याल है कि एक वजह तो ये कि हमने इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट नहीं की जी। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है मिसलन, आप देखिए कि जो मुल्क की होल कंट्री जिसका बजट जो है एजुकेशन का वो 1% के डेसिमल फ्रैक्शन में जा रहा हो, उसके लिए एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, एक प्रॉब्लम है। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आप अगर किसी कॉम का यानी देखते ना आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में, If you want to see कि हमारी corporate sector में priorities क्या हैं, तो आप उसके budget का analysis करें, आपको priorities मिल जाएंगी। आप पाकिस्तान के budget का analysis करें, आपको उसकी priorities मिल जाएंगी। यानी ये है हमारी problem। हम अगर education को अपनी priority नहीं समझते, तो फिर अब्दुल सलाम पैदा हो जाएगा कभी, 100 साल में एक दफा पैदा हो जाएगा, तो अपनी मेहनत से पैदा होगा। मैं आपकी बात का कुछ जवाब दे पाया हूँ जी आज साहब? जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैं अक्सर ये सोचता था, या शायद आप ये मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं इसको समझने में एनालिसिस में रॉन्ग हूँ, कि हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट एक रिपल्शन भी है हमारी सोसाइटी में, और वो शायद हिस्टोरिकल रीजंस हैं उसकी, कुछ मजहब से भी आया है, और चूंकि हम जाहिर है मेजोरिटी तो मुसलमान हैं हमारे यहाँ, तो एक रिपल्शन हम जरूर रखते हैं किसी बैक ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के, जी ये जो दुनिया की तालीम है ये तो खैर ये आर्जी दुनिया है और ये इधर ही रह जाएगी और ये है और वो है। वो हिस्टोरिकली शायद इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ जरा थोड़ी ज्यादा रही है, तो इंडिया वाले जरा थोड़ा सा उस सेंस में इस चीज में eventually it get them paid in a form के उनकी workforce उनके हाँ जो leaders वो बाहर जाके और पूरी दुनिया की stage पे ज्यादा हमें जो है ना वो leadership उनकी ज्यादा successful नजर आती है। I totally agree जी, और इसमें और भी factors हैं। यानी मैं ये समझता हूँ कि इसका एक reason ये हो सकता है
कि आपने फरमाया उसके लिए जो वर्ड के रिपल्सिव हैं हम उसके बारे में, लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी, इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर द पार्टीशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शोबा जो है वो नेहरू ने अपने पास रखा था, यानी ही न्यू दैट इट इज आवर प्रायोरिटी, हमने इसको डेवलप करना है। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का कोई भी शोबा जो है वो प्रायोरिटी नहीं बन सका, हमें एक और मुश्किल में डाल दिया गया, इसको भी समझिए, यानी एक साइकी है हमारी, इस साइकी को क्रिएट किया गया कि हमारी एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, हमें पता ही नहीं, अगर हमने एजुकेशन पे खर्चा करना शुरू कर दिया और अपने डिफेंस पे ना किया तो हमें तो लोग खा जाएंगे। यानी ये जो पूरी की पूरी साइकी डेवलप की है, इसके नतीजे में हो ये रहा है, देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है, अभी पाकिस्तान में ये जो फ्लड आया है, यानी आपके ख्याल में ये हमें नहरों पे हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सर्व कर सकें, नहीं, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लोगों की जाने बचाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें तो ये वो रौला पड़ा हुआ है कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, और ये हमें इस साइकी में मुब्तला करके, अब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फायदा पहुंचाना है आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, ठीक है ना जी, ये इस साइकी में जब आप मुब्तला हो जाएं, ये इसी तरह की बात है कि एक आदमी को कैंसर हो गया तो आपने तो उसकी पेन रिलीफ करनी है, हमें एट नेशनल लेवल इस कैंसर में मुब्तला कर दिया गया है कि हमारी तो एग्जिस्टेंस खतरे में है, अगर हमने ये खर्चा ना किया तो हम तो कायम नहीं रहेंगे, इसके बाद असल में किसी भी और चीज पे खर्चा कैसे किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज़ हमने अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया, जी जी, बजाय ये कि हमने स्टेट, या सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, एंड आई विल कंटिन्यू टू बी दिस पार्ट ऑफ दिस, इट विल बी एन ऑनर जी, एंड मोस्ट वेलकम सर, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू हियर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी, मैं असल में ये आपका मैसेज, ओके, आपने यहां पे जो पोस्ट किया, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एटीट्यूड जो डेवलप करता है ना जी, उसको आप, यानी मैं इस जात में करूं, फोकस मेरी ये जात हो, इसके बाद ऑटोमेटिकली मैं कुछ लोगों के अंदर रहता हूं, ठीक है जी, और उन लोगों के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस है, वो एक धेले का हो, वो 100% हो या वो 1% हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई खास, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वो कंट्रीब्यूशन जो मेरी दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस की है वो पॉजिटिव हो जाए, और अगर मैं खुद अपने आप को पॉजिटिव कर लूंगा, एंड पीपल थिंक दैट आई एम अ वेरी, यू नो, आई नेवर गेट डेस्परेट, आई नेवर गेट होपलेस, आई एम ऑलवेज, आई हैव अ स्ट्रांग बिलीफ इन गॉड, और मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, और मेरा वो मेरे अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे तो वो जिन लोगों के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है, आई एम श्योर कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो ये आपका सवाल है, इसको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर लें, और जैसे ही आप अपने ऊपर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे, और इस पर मैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल हूँ जी, बहुत ही ज़्यादा, आइंदा इंशाल्लाह कभी वो टॉपिक आएगा ज़ेर बहस तो उसको हम ज़्यादा तफसील से लेंगे, कि हमें कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए जी, कॉन्ट्रीब्यूशन की कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए जिसमें मैं वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। मैं लोगों से ये कहता होता हूँ, व्हेनेवर आई एम यू नो इन पाकिस्तान, और मैं when I see people being careless about throwing things, गाड़ी में से चलते चलते हम फेंक देते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ जब कि यार ऐसे ना करें यार, मतलब जिस तरह हम अपने घर में फेंकना पसंद नहीं करते, उस तरह ये सड़कें भी तो हमारा घर है यार, और कौन सा घर है हमारा। तो आम तौर पर जो जवाब आता है वो ये कि यार मेरे ना करने से क्या होगा, मेरे ना करने से ये होगा कि इस गंद में मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी इंशाल्लाह, और ये काफ़ी है जी, अभी हम इस पहलू से सोचना शुरू कर दें कि मैंने गंद में कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, मेरी कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह खुशबूदार होगी इस कॉम में भी, इन लोगों में भी, अपनी फैमिली में भी, आप देखेंगे कि उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, पीपल विल देमसेल्फ बिकम इंटरेस्टेड, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि किस तरह से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हम, मैं भी और आप भी, ये बड़ा कभी कभी दिल करता है जी कि दूसरों को ठीक कर लिया जाए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते जी, हम अपने ऊपर ठीक करने का काम अगर शुरू कर दें तो फिर उम्मीद ये है कि वो उसका इन्फ्लुएंस और भी आगे बढ़ेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी, अगर ना हो तो आप एक और डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह कोमल इज वॉचिंग दैट, वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर देंगी। सर आप क्वेश्चन भी मेंशन कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम हो जाए कि क्या सवाल है। Yes, I'm so sorry, ji. I'm so sorry. I missed that.
सवाल ये था जी कि हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग एंड एनवायरनमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड इन माय फैमिली। इसका मैंने ये जवाब दिया कि हम इसके ऊपर ज्यादा अभी फिक्र ना करें, लेट अस क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रेटिट्यूड इन माय सेल्फ एंड देन इट विल स्प्रेड। अच्छी और बुरी बातें दोनों उनकी एक नेचर है जी, हम चूंकि इंसान हैं और हम रिश्ते में होते हैं, बंधे हुए हैं, हमने इन्फ्लुएंस लाजमन करना ही करना है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, लेकिन करना ही करना है, वो अच्छा इन्फ्लुएंस हो जाए हमारा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, मेरे दो बुनियादी बेसिकली सवाल थे। एक तो रिलेटेड था कि मैंने जर्नल लिखना शुरू किया है एज पर योर इंस्ट्रक्शन, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज है कि सर मेरा बेसिकली ये फीलिंग्स अंदर से डेवलप होना शुरू होती हैं। सम टाइम ये होता है कि मतलब एक अदल और इंसाफ का तकाजा होता है कि आपने किसी सिचुएशन में जजमेंटल हो जाना होता है। मतलब अगर आप जैसे मैंने वो उस दिन आपसे पेरेंट्स वाली एग्जांपल ली थी कि आपको हक को और अब बातिल के दरमियान में फैसला करना जरूरी हो जाता है सिचुएशन में, तो उसको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं? मतलब कि जैसे मेरे सामने एक सिचुएशन है कि मुझे बस इसको चूज करना है, अभी हक को चूज करना है, किसी की फाइट हो रही है, मुझे साफ नजर आ रहा है कि इसमें ये बंदा जो है वो गिल्टी है और ये बंदा ठीक है, तो अगर मैं जाहिर बात है जो बंदा जिसका कसूर नहीं है उसको उसकी साइड लेता हूँ, तो मैं जजमेंटल तो हो रहा हूँ किसी ना किसी जुमरे में, तो उस चीज को मैं कैसे ले? देखिए, एक चीज तो ये कि जब भी कभी आप, और ये बड़ी मुश्किल चीज है जी, आप, मैं आई कैन ओनली एम्पथाइज विद यू ऑनेस्टली। मैं कई दफा लोगों से ये कहता हूँ कि आप अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको जज की जगह पे नहीं बिठाया। हम वी हैव अ राइट टू ट्राई फॉर रिफॉर्म। जज की एक पोजीशन ऐसी खतरनाक है कि वो उसको फैसला देना है, इंसाफ करना है। हम रहमत के साथ अल्लाह ताला की वो जो क्वालिटी है ना मर्सी वाली, उसको सामने रखते हुए हम रेफर्मेशन की कोशिश भी कर सकते हैं कि ठीक है ये गलत है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसकी गलती को किसी तरह से, एक तो ये कि जब हम समझेंगे नहीं तो उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। जो आम तौर पर मैं समझता हूँ, जब अनलेस यू हैव टू जज, देखें ये भी एक मुश्किल हो जाती है कई दफा, ऐसे रिश्तों में हमको जज करना ही पड़ जाता है, तो उस पर आपको सच्चाई का साथ देना है। दो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है आपने, एक ये कि उस सच्चाई का साथ देते हुए कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए कि हम गलत करने वाले के साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है जी। हमें बहुत अच्छा रवैया रखते हुए, क्योंकि हम जज बहरहाल नहीं है, हमने सजा नहीं देनी, हमने सिर्फ उस मामले को अच्छी तरह से हैंडल कर। दूसरी जो चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा वो ये है कि हर हाल में ये समझ लें कि इंसान को अपने आप को अपने अमल को जस्टिफाई करना होता है। यानी मैं जिस वक्त कोई गलत काम भी करता हूँ ना जी, जो बज़ाहिर आपको गलत लग रहा होता है, तो मैं अपने अंदर उसको जस्टिफिकेशन बनाता हूँ, और वो जो कंस्ट्रक्शन होती है मेरी, वो असल में मुझे सपोर्ट कर रही होती है। वो जरूरी नहीं कि अच्छी हो या बुरी हो आपकी नजर में, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को समझना जरूर चाहिए कि ये आदमी मतलब आम तौर पर तो बड़ा अच्छा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये हर दफा जुल्म ज्यादती करता है, इस मामले में क्यों हो रहा है, तो उसकी हेल्प करती है मुझे उसकी हेल्प करती है कि वो इस कमजोरी को ओवरकम कर सके ओवर टाइम। ये दो एस्पेक्ट मैं चाहूंगा कि जरूर अपने सामने रखते हुए कीजिए। जो रिफ्लेक्टिव जर्नल आप लिख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जैसे जैसे आगे चलेगी ना जी बात, तो यू विल सी कि हम बहुत सारे टॉपिक्स मजीद उसमें ऐड करते जाएंगे। अभी रिफ्लेक्टिव जर्नल पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्वर्सेशंस के हवाले से, ये जैसे जैसे आगे मसलन प्रिंसिपल्स की हम बात जब करेंगे तो प्रिंसिपल्स भी इस रिफ्लेक्टिव जर्नल में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसके साथ जरूर रहिए और इंशाल्लाह आपको ये बहुत फायदा देगा जी, ये मुझे भी बहुत इससे फायदा। जी सर, इसमें अभी अगर जैसे हम किसी को सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमें जज करना पड़ गया जिसके हक में फैसला जा रहा है, वो तो चलो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो आपको पता है डिसअपॉइंटेड हो जाता है, हर्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फिर हमें कैसे निकलना चाहिए उस चीजों से? इमोशनलाइज वो आपको करना शुरू हो जाएगा आगे से, ये सारी चीजें सिचुएशन जो है ना वो हैंडल करना बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है हमारे लिए। मेरा ख्याल है जी कि बस लोगों को ये बताएं कि देखिए, मैं ना तो किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ, ना मैं, मेरा मकसद है ये, और ना मैं ये हक, मैं जो जिस चीज को हक समझता हूँ लाजमन वही हक को, ना मैं ये दावा रखता हूँ, लेकिन मुझे जिस आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाला है वो ये है कि मैं जिस चीज को हक समझता हूँ मुझे वही कहनी चाहिए, और इसमें मुझे जितनी भी तकलीफ हो रही है, और देखिए अल्लाह ताला ने वो बात कही क्या है, क्या जबरदस्त बात कही,
कि वो तुम्हें बहरहाल हक के लिए अल्लाह ताला के लिए हक की गवाही देनी है, और वो गवाही का तुम्हारी जात के खिलाफ जाए, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जाए, तुम्हारे आयदा व अकारिब के खिलाफ जाए, तुम्हें वो बात करनी है। ये मतलब नहीं है कि जो आप कहेंगे वो लाजमन एक एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा, हो सकता है हमसे फैसला गलत हो जाए। सवाल ये है कि जो कुछ मेरे सामने आया है मैं उसके मुताबिक फैसला करने का मुकल्लफ और जिम्मेदार हूँ, मुझे वो फैसला करना है। और ये चीज जो है, ये जब आप मोहब्बत से और इंकिसारी से ये कहेंगे कि देखिए मेरे ख्याल में आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैंने ये बात ना कही, मुझे ये कहना है पड़ेगा कि ये मेरे ख्याल में इस मौके पर ये राय ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन कर लूं, छोटा सा है बिल्कुल। ये सर जबर से रिलेटेड है। बेसिकली कल एक मेरा फ्रेंड था, उससे बात हो रही थी। वो असल में ये कहते हैं कि दीन में जो जबर है ना, वो बेसिकली नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। अगर आपने एक दफा नाम कबूल कर लिया तो फिर आपने जबर करना ही करना है। तो मैं उसको ये कह रहा था कि अगर आप किसी पे जबर करते हैं तो आप दिल से उसके उसकी बुराई खत्म नहीं करवा सकते उसको। आप टेम्परेरी तो उस पे मतलब उसके करेक्टर को मतलब उसका जो पर्सनैलिटी है वो ठीक हो जाएगी, वो रुक भी जाएगा किसी पर्पज से, लेकिन जो दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, तो वो दिल से नहीं खत्म कर पाएगा। तो वो ये कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने जबर करना है, आपने बच्चों को मारना है नमाज पढ़ाने के लिए। समटाइम ऐसा होता है कुछ गलत किस्म के लोग आके आपसे ज्यादती करते हैं, आपके साथ फैमिली है, उनसे छेड़छाड़ करते हैं, उस सिचुएशन में फिर आप क्या करेंगे? आप तज़किया नफ्स करना शुरू कर देंगे या आप क्या करेंगे? तो सर इस सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इस्लाम कबूल करने के बाद जबर किस हद तक है भी या नहीं है। नहीं देखिए, ये मिसाल, एक तो ये जबर की मिसाल नहीं है जी, ये तो स्ट्रेटजी की मिसाल है। जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बच्चों को नमाज पढ़ाना है या बच्चों में नमाज की तरबियत पैदा करना है, ये दोनों चीजों में फर्क है जी। देखिए, एक जगह वो है कि जो मिसाल वो दे रहे हैं, ऐसी मिसाल दे रहे हैं कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, यानी आप यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स। आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो, उसको आपको एक अच्छे बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करना है कि जिसके नतीजे में, और बेहतरीन माहौल के कुछ हिस्से हैं जिसको मैं बयान भी करता रहता हूँ और इंशाल्लाह इधर भी बयान करूँगा, कि जब हम उसको एक अच्छी तरबियत देना चाहते हैं, हम उसके अंदर नमाज का शौक पैदा करना चाहते हैं या आज की नमाज पढ़ा देना चाहते हैं, और कल जब हम ना हों, मिसाल के तौर पर मैं अगर दफ्तर में हूँ या कहीं और हूँ या बिजी हूँ या wherever I might be, not in front of the child, तो वो फिर आपसे झूठ भी बोले। मैं इस सिचुएशन से ज़ाती तौर पे गुजर चुका हूँ, यानी आई कैन टेल यू दैट अगर मेरे अंदर ये अंदर से तलब ही नहीं है नमाज पढ़ने की, जब छोटा होता था, जब जबरदस्ती होती थी और मुझे पता होता था कि सजा मिल जानी है, तो आसान रास्ता ये था कि झूठ बोल दिया जाए। अगर पता है कि झूठ नहीं पकड़ा जाएगा तो बोलने में क्या रह जाए, यानी इसलिए क्योंकि अगर मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो है उसके बीच में से मुझे उठा दिया जाएगा तो बेहतर ये है कि मैं इस मौके पर झूठ बोलूं, बाद में अल्लाह ताला से माफी मांगूंगा, क्योंकि प्रोग्राम तो बाद में नहीं होना। ये जो एक बच्चे की साइकी से आप देखें कि हम चाहते क्या है, व्हाट डू वी रियली वांट फ्रॉम अ चाइल्ड, आप ये चाहेंगे कि वो आज नमाज पढ़ ले या आप ये चाहेंगे कि वो हमेशा जिंदगी में सच बोलने की तरबियत पा ले, कि उसको सच बोलना है और सच के लिए स्टैंड लेना है। ये वाला एस्पेक्ट जो है इसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि ये बात वो सही समझे नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी असल में ये नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा अच्छा बिहेव करता है और आपके पीछे से कैसा बिहेव करता है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। सो व्हाट डू यू वांट द चाइल्ड टू बी मोटिवेटेड टू डू द राइट थिंग और यू वांट द चाइल्ड टू डू द राइट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये दोनों अलग। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फिर ये रेज होता है कि असल में हमारा जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो कैसे बिल्डअप होता है किसी बच्चे का या किसी का भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अफेक्ट क्या करेक्टर डेवलपमेंट में भी पड़ते हैं? लेट्स सपोज अगर जाहिरी तौर पे मुझ पे कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली वो चीज इंटरनली भी कोई ना कोई इफेक्ट तो करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे एक ऐसा माशरा मिला जिसमें बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, तो डेफिनेटली इंटरनल फीलिंग्स में भी कुछ ना कुछ मेरे आएगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना? मतलब जो जाहिरी तौर पे जो चीजें हैं, असल में जो करेक्टर बिल्डिंग है, जैसे एक मेरा बच्चा है वो शरारती है, दूसरा है वो बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल शरीफ है, शरारते नहीं करता, तो उसमें कैसे हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं कि ये वाला जो बच्चा है मेरा ये शरीफ है, इसको क्या माहौल के असरात हुए हैं या बाहर से कोई चीज इम्पेक्ट की है जिससे इसकी करेक्टर डेवलपमेंट अच्छी हुई है, रेदर देन के दूसरा इतना शरारती है वो बात भी नहीं सुन रहा, तो ये चीजें फिर कैसे हम इसको मतलब
बाहर के जो फैक्ट हैं, जो जाहिरी फैक्ट हैं, उनको इंटरनली कैसे रोक सकते हैं? वो तो फैक्ट होंगे, आप क्या समझते हैं? नहीं रोक सकते जी, नहीं रोक सकते। देखिए दो चीजें हैं, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी है खुद ही, मैं इससे ज्यादा बेहतर मिसाल और कोई नहीं दे सकता। आपके घर में पलने वाले दो बच्चे हैं जिनके ऊपर, जिनकी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिंदगी के बारे में, या पर्सनैलिटीज आपने जिस तरह फरमाया के हैं, उनके इंटरनल प्रोसेसेस भी डिफरेंट। इसकी वजह क्या है, ये अच्छी तरह समझ लें, यानी मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर जो उसका असर होना है, वो असल में उस होने का नहीं होना। मसलन मेरे वालिद साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है, इसको मैंने अंदर से ये सोचा है कि ये मैंने गलती की थी, इस वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है, तो आइंदा मैं गलती करना अवॉइड करूंगा। अच्छा, मैंने अंदर से ये सोचा है कि मैंने असल में गलती ये की थी कि मैंने इनके सामने ये कर दिया था, आइंदा मुझे ये नहीं करना, इनके सामने नहीं करना। ये होता क्या है, हम जब इंसानों के ऊपर एक्शन ले रहे होते हैं, कोई भी एक्शन, तो ये तीन इंसान है, ये तीन मग नहीं पड़े हुए, ये तीन इंसान है। इंसानों के ऊपर असर सिर्फ बाहर की चीज का नहीं होता, इंसान उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी परसेप्शन क्या है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये दोनों बच्चों का डिफरेंट है और दोनों का असर भी डिफरेंट है। फिर यानी ये है जो प्रॉब्लम है, हमने असल में जब भी हम पेरेंटिंग की कोशिश करते हैं, पेरेंटिंग समझाने की, व्हेनेवर इन माय सेशंस, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये बताया जाए कि हम इस तरह से पेरेंटिंग करें कि जिसके नतीजे में मेरी और बच्चे की कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, मेरी और बच्चे के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, इसके नतीजे में आप उसकी परसेप्शन समझ पाएंगे, वरना वो आपके साथ अपनी परसेप्शन शेयर ही नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। यानी आप खुद बताइए कि जिधर आपको ये डर हो कि मैं जिधर ये बताऊंगा कि यार मेरे अंदर बुरे ख्याल आते हैं, मैं क्या करूं यार, मुझे बुरे 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 ख्याल आ जाते हैं कभी कभी, और आपको एकदम लोग जो है जज करने लग पड़े, उधर आप क्यों शेयर करेंगे ये? तो अगर मैंने अपने बच्चों के साथ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इन्फ्लुएंस उन पे स्ट्रॉन्गर हो, तो देर आर थ्री थिंग्स जी जिनको मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं और मैं उनके साथ आपके साथ ये शेयर कर लेता हूं। नंबर वन ये कि आपको उनके सामने अच्छा रोल मॉडल पैदा करना है अपनी जात का, ठीक है जी, यू आर अ रोल मॉडल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसको हरगिज किसी तरह से भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपका असर होना ही होना है, वो असर अच्छा हो, आपके घर का, आपके घर के माहौल का असर अच्छा हो, आई एम सॉरी, एक आपकी जात का रोल मॉडल है, दूसरा आपके माहौल का असर है, आपको उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना है कि मेरे इस घर के माहौल का क्या असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर। मसलन मेरे घर में अगर ये कहा जा रहा है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और अगर कोई आया तो मैं ये कहता हूँ कि उससे जाए कहो कि घर पे नहीं है, तो इसका जो माहौल का असर ये है कि क्या हो रहा है, ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, माहौल इस चीज का नाम है, इस चीज को मैं समझता हूँ कि इसका असर उससे कहीं ज्यादा होता है कि जो आपकी बात का असर होता है। और तीसरा जो है वो है बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स, आप अगर ये तीनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें तो आपकी तरफ से आपका इन्फ्लुएंस बेहतर हो जाएगा, बच्चा इसके नतीजे में ठीक हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा सर, ये जैसे मेरा बेटा है 3 साल का, अभी वो इतना शरारती है कि उसकी वालदा सारा दिन जो है वो तंग आ जाती है, उसकी एक्टिविटी वो इतना शरारती है कि मैं भी समटाइम ना मेरा दिल करता है कि मैं उसको लगाऊं, लेकिन वो अंदर से वो जो जर्नल लिख रहा हूँ ना उसकी वजह से मैं कंट्रोल करता हूँ। तो क्या अगर मैं उसको एक लगा देता हूँ, इसका उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? पॉजिटिव अगर जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस मोहल्ले से बिलोंग करता था लाहौर से, वहाँ पे हमारे साथ काफी दोस्त वगैरह थे जो कि बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके फादर जो थे ना वो बहुत मतलब नॉर्मल उनके साथ बिहेव करते थे, इतना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड नहीं था, रेदर देन जो मेरे फादर थे वो उन्होंने मुझे बहुत मारा है, ठीक ठाक मारा है, मतलब मैं स्नूकर खेल रहा हूँ तो हर जगह पे मुझे बड़ा डर था अपने फादर का, तो अल्लाह का शुक्र एंड ऑफ द टाइटल ये हुआ कि मैं मेरे अंदर कोई भी बुराई नहीं आई ना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी स्मोकिंग किसी भी, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मैं ये सोचता हूँ कि अपने फादर की वजह से हूँ, क्योंकि उनका एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था, अगर उन्होंने मुझे ना मतलब 8 बजे के बाद कभी बाहर नहीं रहने दे रहे, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी उन्होंने, रेदर देन जो दूसरे बच्चे थे मेरे साथ जो पढ़ते थे वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन कोई बच्चा अल्लाह माफ कर नशे पे लग गया, कोई जो है वो किसी और तरफ निकल गया, क्योंकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर बहुत था पेरेंट्स का, लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो इन चीजों में अगर मैं अपने बच्चों को किसी स्टेज पे आके बाउंड करता हूँ, फिजिकली मारता हूँ, तो क्या फ्यूचर में उस पे इसका अच्छा असर पड़ेगा कि फादर ने मारा था तो मुझे नहीं करना? असल में मैं ये आपसे अर्ज करूं अदनान साहब कि ये जो आप पर अच्छा असर पड़ा है ये लड़ाई का नहीं, मार का नहीं पड़ा, इसको ज़हन में रखिएगा, आपके साथ मार के साथ बहुत कुछ और भी था, एक बात,
और दूसरी चीज ये कि ये आपकी इंटरनलाइजेशन है, यानी आपकी इंटरनलाइजेशन के नतीजे में वो असर जो था वो अच्छा पड़ गया। अगर यही यानी मार के नतीजे में जो दूसरी तरफ पैदा होती है चीज, वो रिटेलिएशन है। एक है कंप्लायंस और एक है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन ये होती है, और ये सिर्फ क्यों होती है, इसलिए कि जो आपने समझा है अंदर से, आपकी जो परसेप्शन है उस मार के बारे में, वो नहीं है जो रिटेलिएशन करने वाले की है। तो आपने वही मैंने कहा कि देखिए एक मग है, आपने उसको इधर से 10 फुट ऊपर से नीचे फेंका है, 1, 2, 3 तीनों ही टूट गए। इंसान असल में चीज नहीं है कि उस पर महज आपके एक्शंस ने असर डालना है, इंसान की परसेप्शन ने असल में उस असर को परसीव करना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसके मुताबिक करना है। जो मैंने आपसे अर्ज किया वो असल में ये है कि आप अगर इस चीज को जबरदस्ती करेंगे तो एक बच्चा जो है वो हो सकता है ये कहे जो आपने किया, और एक बच्चा ये कहे कि अच्छा अब मैंने पकड़े नहीं जाना अपने वालिद साहब से, ये कितने बजे सोते हैं, इसके बाद मैं घर से निकला करूंगा, ये दोनों ही सूरतें हो जाती हैं जी। डिफरेंट नेचर है बच्चों की, डिफरेंट परसेप्शन है आपके एक्शन, आपकी मार की डिफरेंट परसेप्शन हो सकती है। दूसरा एक और चीज ये है कि मार के नतीजे में हम सिर्फ बिहेवियर को ठीक करते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस नहीं तक नहीं पहुंच सकते हम, और हमें असल में जो चीज जिस तक ठीक पहुंचना है वो आपके इंटरनल प्रोसेसेस है। मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब ने आपको मारा, तो हो सकता है 50 लोग आपके माहौल में ऐसे हों जो समझाने वाले हों, आपकी परसेप्शन समझने वाले हों, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ये सारी चीजें जो है ये सब ने रोल प्ले किया है अपना अपना। तो कितना रोल मार का है और कितना जो है वो किसी और चीज का है, इसको आज बड़ा मुश्किल है एनालाइज करना, इवन फॉर मी फॉर माई सेल्फ, ये प्रॉब्लम है जी। ओके सर, ये दो चीजें बस कंफर्म कर दीजिएगा, बेसिकली वालदैन की जो वालदैन का जो इखलाक है वो बच्चों के लिए तरबियत है, राइट? फर्स्ट ये आप कह रहे हैं जो कंक्लूजन मैंने लिया उस तरबियत का हिस्सा है जी, यानी वालदैन का इखलाक जो, हाँ जी, वालदैन का इखलाक जो है, क्योंकि वालदैन रोल मॉडल्स हैं, वालिदैन गालियां देते हैं। मैं, मुझे याद है मेरे नाना विजिट कर रहे थे, मैं आई वॉज इन क्लास 5, माई ब्रदर वॉज हार्डली 1 ईयर ओल्ड, तो मेरे नाना विजिट कर रहे थे और मेरे भाई ने, ये उसका प्यार था, ठीक है जी, मेरे छोटे भाई ने जो मेरे से 5 साल छोटा था, उसने उनको उनकी गाल को पकड़ के कहा कि आप बड़े उल्लू पट्टे हैं, और मेरी वालदा ने उसको 2 थप्पड़ मारे और फिर ये कहा ए तू कितों सीख ले है? अच्छा, हम भी सारे डर गए। इसके बाद जब मैं आज जब आई लुक बैक तो मैं ये सोचता हूँ कितनी मासूमियत का सवाल था ये कि ए तू कितों सीख ले है? अगर घर में ये लैंग्वेज बोली जाएगी तो बच्चा यही लैंग्वेज बोलेगा, इसके बाद कोई जरूरत नहीं ये पूछने की ये किधर से सीखे, घर में हो माहौल में हो कि ये 1 साल मतलब लेट से 3-4 साल का बच्चा जो है वो स्कूल तो जाता नहीं, कहीं और से सीखेगा। तो हम रोल मॉडल्स हैं, इसकी रिकग्निशन पैदा करनी है हमें। हम रोल मॉडल्स अगर जानबूझकर अच्छे नहीं बनेंगे तो बुरे बन जाएंगे। यानी मैं जब लोगों को ये समझाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरा स्कूल जो है, मेरा स्कूल जो है, मेरे मेरे मुल्क के अंदर मौजूद स्कूल जो है वो कैरेक्टर डिवेलपमेंट पे तवज्जो नहीं दे रहे लेट से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर डिवेलप नहीं कर रहे, वो बुरा कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। फिर आप तवज्जो नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स का असर खत्म हो जाएगा उनकी जात पे। अगर टीचर जुगते मारते हैं क्लास में तो बच्चा जुगते मारना सीखेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक होगी? नहीं जी, नहीं तो किसी, नहीं नहीं, मैंने 3 चीजें अर्ज की हैं जी। नंबर 1 इज योर रोल मॉडल, ठीक है जी। नंबर 2 इज द सपोर्ट ऑफ योर एनवायरमेंट, इसके ऊपर पूरी तफसील से मैं बात करूंगा आपसे, आपको मैं नोट्स दूंगा उसके। नंबर थ्री इज माय रिलेशनशिप्स, ठीक है जी, जिसके नतीजे में अगर मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो कि आप मेरे से यहाँ पे कोई सवाल ना कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस, बड़ी माजरत के साथ एक गलत मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप डरते हो मैं हर सवाल पर मैं स्नब कर दूं और बुरा भरा कहने लग पड़ूं, तो इसके नतीजे में आप सवाल नहीं करेंगे। फिर रिलेशनशिप ऐसा रखें कि जिसके नतीजे में लोग आपके साथ शेयर करने को तैयार हों, ठीक है जी, दैट विल हेल्प। इसके नतीजे में आप उनकी कंस्ट्रक्शन समझ सकेंगे और उनको फिर ठीक भी कर सकेंगे।
जजाकल्ला जी, थैंक यू वेरी मच मोहित साहब, बहुत टाइम लिया, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम।